मैं देश के प्रधानमंत्री को जब भिवंडी में मैं जनसभा को एड्रेस कर रहा था उस वक्त भी प्रधानमंत्री से अपील किया कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। हम भारत के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, आप हमारे खिलाफ रहिए, मगर इतना भी इतना मनफरत मत करिए कि जिसके नाम का सदका हम कहते हैं आप उनके नाम के बारे में अनाप शनाप रख दें। देश के प्रधानमंत्री हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपके स्पोक्स पर्सन ने जो अनाप शनाप बका, आप मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप बता दो ये चीज गलत है, उसको रोको, आप केस बुक करो। देश के प्रधानमंत्री को ये काम करना चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री को जब भिवंडी में मैं जनसभा को एड्रेस कर रहा था उस वक्त भी प्रधानमंत्री से अपील किया कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। ये गलत कहा उन्होंने, मगर देश के प्रधानमंत्री टस से मस नहीं हुए और 10 दिन के बाद, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में ये मसला बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए हालत मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री ने अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लिया। ये सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि एक्शन तो आपको 10 दिन पहले लेना था। जब मैं बहसियत एक भारत के इंडियन सिटीजन के, मेरा मजहब मुसलमान, मैं मुसलमान हूँ, हम आपसे अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। अब एक्शन नहीं लेते आप, क्यों एक्शन नहीं लिया आप बताइए देश के प्रधानमंत्री? क्या सदुद्दीन ओवैसी का डिमांड, क्या सदुद्दीन ओवैसी की आवाज फॉरेन कंट्री के लीडर से कम है क्या? आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। आप फॉरेन कंट्रीज के लीडर्स को खुश करना चाहते हैं, आप उनकी तकलीफ को समझते, हमारी तकलीफ को नहीं समझते आप? कौन समझेगा हमारी दिली तकलीफ को?